हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। मैं आपके लिए एक और रिकवरी की वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे एक फीमेल पेशेंट की, मिडिल एज फीमेल पेशेंट की रिकवरी की। ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये है फाल्मोप्लांटर सोराइसिस। फाल्मोप्लांटर सोराइसिस का मतलब होता है वो सोराइसिस जो हमारे हथेली पे और पैरों के तलवे पे होता है। मैं दिखाऊंगा कैसे एक महीने में इनक्रेडिबल रिकवरी आई है पेशेंट को। पेशेंट के जितने भी सिम्टोमेटिक कंप्लेंट्स थी वो सारी सॉल्व हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट आपका कायाकल्प ग्लोबल के सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल पे। कायाकल्प ग्लोबल पे हम पिछले 30 सालों में हमारी 2 जनरेशन लग गई हैं। हम लोग 2 लाख से भी अधिक पेशेंट को कंसल्टेशन दे चुके हैं। हमारा बहुत ही अच्छा 90% से अच्छा सक्सेस रेट भी है। हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक दिल्ली NCR में फरीदाबाद में है, और लखनऊ बेल्ट को कवर करने के लिए अलीगंज में भी हमारे पास एक क्लिनिक है, जहाँ पे जैसे आपका अगर आपको पास पड़ता है तो आप वहाँ पे जाके भी दिखा सकते हैं। नहीं तो अब दूरी बाधा नहीं रह गई है, सोराइसिस का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं रह गया है। आप अपनी क्लियर सी फोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650157539। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको नंबर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप के आगे लिंक में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चैट स्टार्ट हो जाएगा। राइट, वीडियो को लोग पॉज करके मैं देखता हूँ, नंबर शेयर कर, ये सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एक रिकवरी वीडियो है, और हम ये एक नई सीरीज़ शुरू कर चुके हैं इस चैनल पे, जहाँ पे हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ रिकवरी की वीडियो डालते हैं। मैं ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम हर वेडनेसडे और संडे इस चैनल पे वीडियो को रिलीज़ किया करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मैं जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वेडनेसडे और संडे को इस चैनल पे कोई ना कोई नई वीडियो, चाहे वो पेशेंट की रिकवरी हो, चाहे वो डाइट के बारे में टिप्स हो, चाहे कोई होम रेमेडी हो, चाहे कोई लेटेस्ट रिसर्च हो, चाहे कोई प्रोडक्ट जो नया आया हो मार्केट में, हम हर एक चीज़ को रिव्यू करते हैं, हर एक चीज़ को मेडिकल, एक आयुर्वेद और एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से डाइसेक्ट करते हैं और फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पेशेंट के हाथों की फोटोग्राफ। ये पेशेंट हाउसवाइफ हैं। इनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रहती थी कि ये काम नहीं कर पाती थी, घर का काम करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। और हम समझ सकते हैं कि जब हाथों में कट लगते हैं, पाल्मोप्लांटर सोराइसिस में पैरों के तलवों में कट लगते हैं, तो पेशेंट की मेन कंप्लेंट यही होती है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। खासकर जब पेशेंट के पैरों में कट लगते हैं तो उनको चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं जो मैंने आपको बताया अभी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस मोर लिख के दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप ऐसी पेशेंट रिकवरी सीरीज़ और चाहते हैं हमारे चैनल से। क्योंकि ये रिकवरी वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। पेशेंट का पूरा डाटा सेव करना पड़ता है पहले का, और फिर जब वो दोबारा आते हैं उनकी, इट्स अ 2-3 month प्रोसेस जो हमें करना पड़ता है हर एक पेशेंट के लिए। तो अगर आप ऐसी रिकवरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम इस पर और मेहनत करें। इससे होगा क्या कि इससे आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सोराइसिस का ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है, सोराइसिस का इलाज अब संभव है। सर्दियां आने वाली हैं, हम सबको पता है कि सर्दियों में सोराइसिस वापस आ जाता है, तो किस तरीके से सोराइसिस को अपना कंट्रोल करें ताकि वो इस बार पलटी ना मारे। तो मैं आपको बिफोर का फोटो दिखाया पेशेंट की। अगर मैं मेडिकल हिस्ट्री की बात करूं तो पेशेंट इज़ अ नोन केस ऑफ डायबिटीज़ ऑन मेटफॉर्मिन। तो पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, और पेशेंट डायबिटीज़ के लिए अपने लोकल डॉक्टर से, मेडिसिन डॉक्टर से इलाज भी करवा रही हैं। उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वो मेटफॉर्मिन ले रही हैं इस समय। राइट, बहुत सारे पेशेंट जिनको शुगर होता है वो अपना ट्रीटमेंट लोकल डॉक्टर से करवाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कायाकल्प ग्लोबल पे हमारे पास आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ही डॉक्टर्स की टीम है, जो कि सक्षम है आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके हिसाब से आपकी एज, आपकी वेट, आपके कोमॉर्बिड कंडीशन सबको ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से आपके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा पेशेंट की आफ्टर की वीडियो। आप पेशेंट के मुंह से सुनेंगे कि कितने समय में उनको रिकवरी आई। ये है पेशेंट की आफ्टर की वीडियो। जैसे आप नीचे वाली फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि हाथों के ऊपर यहाँ पर आज बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ पर इनके आप नीचे वाली फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि कट लगे थे और इचिंग भी होता था, और पेशेंट को काम करने में भी दिक्कत होती थी और पेनफुल भी रहता था। पेशेंट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ है इस रिकवरी के आए को।
आपको कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट को? एक महीने बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप क्या लगाते हैं इस पे ऑयल? सौर के और ऑयल जो आपको दिया था सुबह लगाने वाला, वो ऑयल लगाते हैं आप इस पे? हाँ जी। कितनी बार लगाया आपने तेल? तीन बार लगाया। हाँ जी। गाइस जैसा आपने देखा खुद से मैम बता रही हैं आपको कि एक ही महीने में उनको सौर प्योर ऑयल लगाने से उनके हाथ बिल्कुल साफ हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि देखिए बीमारी एक महीने में ठीक नहीं हो सकती। कोई भी यदि आपको बोले कि मैं एक महीने में आपका सोराइसिस ठीक कर दूंगा तो आपको ऐसी बातों में नहीं आना है। सोराइसिस का इलाज बहुत लंबा चलता है, बीमारी को सिर्फ बाहर से नहीं हमें अंदर से भी ठीक करना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको इंटरनल ओरल हर्बल ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए, साथ ही साथ एक्सटर्नल ऑयल एप्लीकेशन तो आपको लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि सौर के ऑयल एक कवच की तरह काम करता है और वो ये इंश्योर करता है कि नया सोराइसिस शरीर में कहीं पे भी ना आए। तो 15 से 20 मिनट अपने दिन में निकाल के सौर के ऑयल लगा के धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मॉइस्चराइज करते रहिए अपने स्किन को, अपनी स्किन को ड्राई मत रहने दीजिए, बिकॉज ड्राइनेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है। यदि आप भी ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि सौर के ऑयल कहाँ से मिल सकता है, तो जैसा मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लीज़ लिंक पे क्लिक कर लीजिए। हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन कुछ भी दवाई आपको नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसका ट्रीटमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन बिना पेशेंट से बात किए, बिना उनकी प्रॉब्लम को समझे डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट दे देना, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। और मैं आपको भी यही टिप दूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। कोई भी ऐड देख के फेसबुक पे, कोई भी ऐड देख के इंस्टाग्राम पे, कोई भी आजकल बहुत सारे सोराइसिस के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आपको ठीक नहीं कर सकते। वो आपको सिर्फ खुजली में आराम आ जाएगा, थोड़ी पपड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी लाली कम हो जाएगी, लेकिन बी स्मार्ट सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से शुरू हुई है, तो उसको अंदर से ही ठीक करना पड़ेगा। बाहर के एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सिर्फ सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। में उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें यस मोर। थैंक यू।